जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज। मैं कुंडली विशेषज्ञ हूँ, आपकी जन्म कुंडली देखती हूँ। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कॉल करके या फिर मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरे अपॉइंटमेंट के 3 स्लॉट्स होते हैं। एक 30 मिनट का सेशन होता है, एक 45 मिनट का सेशन होता है और एक 60 मिनट का सेशन होता है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप अपने सेशन बुक कर सकते हैं। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह के बारे में, क्योंकि ये अगर हमारे अच्छे ना हो तो हमारी जिंदगी में हम कभी मान प्रतिष्ठा कमा ही नहीं सकते। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर इन ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपको लग रहा है कि जो सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, आपको लग रहा है कि ये सारी परेशानियां आपके साथ चल रही हैं इस ग्रह की महादशा अंतरदशा के होते हुए, तो आप इन उपायों को जरूर करिएगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों की महादशाएं और अंतरदशा हमारे जीवन पर अच्छा बुरा असर जरूर डालती है। अगर कुंडली में संबंधित ग्रह शुभ है जिसकी महादशा चल रही है, तो ऐसे में ये महादशा आपको बेहद शुभ फल प्राप्त कराती है। लेकिन वहीं अगर खराब है तो महादशा में आपके लिए चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव की महादशा की आज मैं आप सबसे बात करूंगी, क्योंकि सूर्य देव है जो हमें मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। हमारे फादर हमारे पास नहीं होते तो हमें लगता है कुछ नहीं है हमारे पास। आज हम कितना भी अर्न कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक खुशी कि हमारे फादर कमाते थे, वो छोटी सी भी चीज लाते थे ना, वो बहुत अच्छी लगती थी। आज हम उससे 4 गुना खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें वो इमोशंस वो फीलिंग नहीं है। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव की महादशा हमारी 6 साल की होती है। इस दौरान कहीं ना कहीं जिसकी भी महादशा चल रही होती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे हैं तो ये आपको राजनीति या फिर मैं कहूँ प्रशासन में एक बहुत ऊंचा पद दिलाते हैं। समाज में आप देखेंगे कि आपको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। आपके सूर्यदेव अच्छे हैं तो आप एक लीडर की भूमिका पाते हैं। अगर आप बहुत सीनियर पोस्ट पे भी नहीं है ना और आपका सूर्यदेव अच्छा है, तो भी आप देखेंगे कि जो बहुत सीनियर सीनियर पोस्ट पे लोग हैं ना, वो भी आपसे सलाह मशवरा लेने आएंगे, राय मांगने आएंगे। और जब ऐसा हो ना, तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक सफलता आपको मिलती ही रहती है। तेजी से आप लोग तरक्की करते हैं, तेजी से आपकी लाइफ में पैसा कमाते हैं, आपको मान सम्मान मिलता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य देव नेतृत्व क्षमता, हमारे कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, हमारे मान सम्मान और अच्छी सेहत देने वाले ग्रह हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्यदेव शुभ हो तो ये हमें राजनीति प्रशासन में बहुत ऊंचा पद दिलाते हैं, आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनाते हैं और कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह किस रोल प्ले करते हैं। अगर आपके जीवन में खूब सफलता और सम्मान आपको मिलता जा रहा है, तो समझिए आपके सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं। और वहीं पर अगर ये सूर्य अशुभ हो जाए तो आपको आत्मविश्वास की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी। मतलब आप जानते हैं किसी ने आपसे कुछ सवाल किया, उसका जवाब क्या है, आपको पता है क्या जवाब देना है, लेकिन फिर भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। और इस वजह से आपकी एक्सप्रेस करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है और फिर उससे क्या होता है, आपको असफलता झेलनी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, आपसे अगर एक सवाल पूछा जा रहा है और आपको उसका आंसर पता है, अब आप ये बोले कि मुझे तो आंसर पता है, मैं क्यों बताऊं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये चीज मैंने इसलिए बोली कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो जाए ना, तो ये आपको ईगो की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दे देता है। इंसान को लगता है यार मुझे आता तो है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बताऊं। तो ठीक है, आपको आता है, लेकिन जब जरूरत है तो बताना भी पड़ेगा। तो ऐसे भी क्या होता है, फिर आपको असफलता झेलनी पड़ती है। सूर्य ग्रह की महादशा का जीवन पर प्रभाव हमें बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिलता है, क्योंकि 6 साल में ना जिंदगी पलट जाती है अगर सूर्यदेव अच्छे हैं तो
तो सूर्य देव यदि जन्म कुंडली में शुभ है तो जातक का जीवन बहुत ही सुखद होता है, उसे बहुत सफलता मिलती है, मनवांछित फल मिलते हैं, मनवांछित लाभ मिलते हैं। और ऐसे इंसान को पिता से बहुत लाभ प्राप्त होता है, प्रशासनिक पद मिलता है, यहां तक कि सरकारी क्षेत्र में भी बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर सूर्यदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, जो मैंने आपको कहा था, अहंकारी बनता है, बहुत क्रोधी हो जाता है, उसके पिता के साथ भी उसके संबंध खराब होने लगते हैं, उसे कहीं ना कहीं आंखों का प्रॉब्लम या फिर हार्ट का प्रॉब्लम, दिल की बीमारियों जैसी परेशानी फेस करनी पड़ती है, हाई बीपी का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो। तो अगर आपके सूर्य की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, आप रिलेट कर रहे हैं ये समस्याएं हैं, तो मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ, आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको परिणाम थोड़े बहुत अच्छे ढंग से मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय, क्या करना है आपको, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, थोड़ी सी रोली मिलानी है और थोड़े से चावल मिलाने हैं। ये मिलाकर आपने रोजाना जब सूर्यदेव निकल रहे होते हैं, जब सूर्यदेव सुबह आते हैं तो उस समय आपको सूर्यदेव को कहते हैं ना, वेलकम करना बहुत जरूरी है। तो जल, अक्षत, रोली, ये तीनों चीजें मिलाकर आपने तांबे के लोटे में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है। और अर्घ देते टाइम आपने एक मंत्र का पाठ करना है जो मैं आपको बता रही हूं, ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, आप चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, आप चाहे तो 21 बार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप जब जल चढ़ा रहे हो भगवान सूर्य देव को तो इसका जाप जरूर करिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन बहुत कारगर भी सिद्ध होगा। इसके साथ ही मैं आप अगर रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इस पाठ को करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर का गुस्सा शांत होने लगेगा। इस पाठ को करने से आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो गया था ना, वो जीरो से आपको हीरो कैसे बनाना है उस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये दो छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी सूर्य की महादशा चल रही है या सूर्य की अंतरदशा चल रही है या सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आप इन उपायों को करिए। इन उपायों को करने से आप 5 से 6 दिन में लाभ डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन जो लोग सूर्य को जल चढ़ाएंगे, एक बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा, 12 या 1 बजे करीब जल बिल्कुल मत चढ़ाइए, क्योंकि ये जल चढ़ाना तो एक फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, क्योंकि इस समय सूर्य देव की जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण की तरफ हो जाती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय होता है जब सूर्य देव सुबह के समय आ रहे होते हैं, तो उनको वेलकम करने का समय है, जो भी सनराइज का टाइम है 1.5 से 2 घंटे के अंदर सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारी वीडियो को भी जरूर शेयर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं हमारे छोटे छोटे उपायों से। जय माता दी।